हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए पेपर पार्ट टू। इससे पहले मैंने पेपर पार्ट फर्स्ट बनाया था जिसमें मैंने एम्स और डीएसएसबी के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। ये इसका पार्ट सेकंड है। इसमें भी मैंने कई तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में ईजी लगेंगे लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए क्लाइंट हु हैड जनरल सर्जरी 24 हाउस एगो रिपोर्ट पेन इन काफ। असेसमेंट रिवील्स रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ डिस्कम्फर्ट। व्हाट शुड द नर्स डू। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो सर्जरी के जो फर्स्ट 24 आवर्स है उसमें पेशेंट है वो कंप्लेन करता है दर्द की, कहाँ पे? काफ, जो काफ मतलब नीचे उस साइड में। तो जो नर्स है वो क्या असेसमेंट करती है वहाँ पे? रेडनेस और स्वेलिंग। तो अब नर्स क्या करेगी? ठीक है, काफ मसल है वहाँ पे, उसको दर्द हो रहा है और वहाँ पे रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो नर्स क्या करेगी? ऑप्शन में देखिए कीप बोथ लेग्स डिपेंडेंट, सेकंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइड, थर्ड अप्लाई ए वार्म सॉक टू द लेफ्ट काफ, एंड फोर्थ एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जो कंडीशन दिखा रखी है उसमें चांस हो सकते हैं किसके? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जो नर्स है वो उसको बेड रेस्ट के साथ क्या देगी? लेग इलेवेटेड। तो इसमें जो लेग डिपेंडेंट है वो तो होगा नहीं, क्योंकि जो पैर वो क्या रहेंगे? इलेवेट रहेंगे। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या होता है कि जो थ्रोम्बस है उसके प्रोग्रेस होने के चांस रहते हैं जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो इसके लिए जो नर्स क्या करेगी वो क्या करेगी? नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो वो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, HCP है, उसको नोटिफाई करेगी। तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर विच कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन शुड बी द नर्स मोनिटर क्लाइंट इन द कोरोनरी केयर यूनिट। कोरोनरी केयर यूनिट में जो मायोकार्डियल का पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, तो उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है? ऑप्शन में देखिए, डिसरिदमिया, हाइपोकैलेमिया, एनाफाइलेटिक शॉक और कार्डियक इनलार्जमेंट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डिसरिदमिया। क्यों? क्योंकि जो MI है वो क्या है कि जो भी इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है उसको क्या कर देता है? वो इंटरप्ट कर देता है, जिसके कारण MI के जो भी 90% केस है उसमें आपको डिसरिदमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डिसरिदमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टिश्यू इज मोस्ट इंसुलिन सेंसिटिव। मोस्ट इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है? ब्रेन, लीवर, एडिपोज टिश्यू और कार्डियक मसल। तो इसका आंसर है वो होगा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू या मोस्ट इंसुलिन सेंसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 24। द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए मोस्ट कॉमन इफेक्टिव मेजर कौन सा है? फर्स्ट ग्लव्स, सेकंड गाउन, थर्ड फेस मास्क और फोर्थ हैंड वॉशिंग। तो जो हैंड वॉशिंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हैंड वॉशिंग यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फेस मास्क से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ग्लव और गाउन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए हैंड वॉश वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर्सिंग इंटरवेंशन डिजाइन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन ए पेशेंट विद एन इंडवेलिंग कैथेटर। एक पेशेंट है जिसको इंडवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है, तो उसको आपको इन्फेक्शन रोकने के लिए जो भी चांस है उसको क्या करना है? कम करना है। तो नर्स कौन सा काम करेगी? फर्स्ट देखिए, क्लीन एरिया अराउंड मीटर्स। मीटर्स के एरिया के जो भी चारों का एरिया उसको क्या करेगी? क्लीन करेगी। सेकंड, एम्पटी कैथेटर ड्रेनेज बैग एट लीस्ट डेली, यानी डेली कम से कम एक बार तो जो भी कैथेटर है और जो ड्रेनेज बैग है उसको क्या करेगी? खाली करेगी। चेंज कैथेटर ट्यूबिंग एंड बैग एवरी 48 आवर्स। हर 48 आवर्स में जो भी बैग है और कैथेटर है उसको चेंज करेगी। और फोर्थ, मेंटेन फ्लूड इनटेक ऑफ 1200 to 500 ml एवरी डे, यानी 1200 से लेके 1500 ml जो भी एवरी डे फ्लूड है उसको क्या करेगी? मेंटेन करेगी। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा?
क्लीन एरिया अराउंड मिटर्स। जो भी नर्स है उसका ये इंटरवेंशन होगा कि जो पेरिनियल एरिया है प्लस में जो मिटर्स है उसके चारों ओर क्या करेगी, वो क्लीन रखेगी। मिटर्स को क्लीन रखना जरूरी है। अगर कोई भी इंडवेलिंग कैथेटर का पेशेंट है उसको आपको मिटर्स को क्लीन रखना जरूरी है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ये दिल्ली एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लाइंट विद एल्कोहल अब्यूज कोरोस्कोप साइकोसिस एंड वर्निक्स एंड सेफेलोपैथी मे बी कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, पेशेंट को पेशेंट है वो एल्कोहल अब्यूज़ कर रहा था, उसमें आपको कोरोस्कोप साइकोसिस और वर्निक्स एंड सेफेलोपैथी देखने को मिलेगी। कौन सी विटामिन की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, या नाइसिन, थायामिन और विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, थायामिन। ठीक है, थायामिन कौन सी विटामिन है, विटामिन B1, उसकी कमी के कारण आपको कोरोस्कोप साइकोसिस और वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, आपको जो डिवाइस दिखाया गया है स्क्रीन पे, इस डिवाइस का नाम क्या है। ठीक है, एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन देते हैं और आपको पूछेंगे कि ये कौन सा डिवाइस है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, मेमोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, वेंटिलेटर और प्लेथीस्मोग्राफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्लेथीस्मोग्राफ। ठीक है, ये क्या है, प्लेथीस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का, ड्रग्स दैट बाइंड द आयंस ऑफ हैवी मेटल्स टू फॉर्म ए स्टेबल नॉन टॉक्सिक कंपाउंड विच कैन बी इजिली एक्सक्रीट बाय किडनी। यानी ऐसे कौन सी ड्रग्स हैं जो हैवी मेटल आयन है उनको क्या करे, वो स्टेबल यानी नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके उनको इजीली एक्सक्रीट करवा दे किडनी के द्वारा। तो ऐसी कौन सी ड्रग है, एंटी मेटाबोलाइट, चिलेटिंग एजेंट, एंटीबॉडीज या TNF एजेंट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या है, चिलेटिंग एजेंट ये वे केमिकल कंपाउंड है जो मेटल आयन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और उनको वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और वो किडनी से क्या हो जाएगा, फिर एक्सक्रिएट। ठीक है, तो आंसर क्या है, चिलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट पोजीशन यूज टू प्रोमोट इंपोर्टिंग गट, जो गट है उनको क्लीन करने के लिए, उनको खाली करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन में देखिए, लिथोटोमी, डोर्सल रिकम्बेंट, ट्रेंडलबर्ग और सेम्स पोजीशन। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फीमेल क्लाइंट हु रिसीव्ड जनरल एनेस्थेसिया रिटर्न फ्रॉम सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फीमेल है जिसको क्या दिया गया था, जनरल एनेस्थेसिया सर्जरी के लिए, तो पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में नर्स है कौन सा डायग्नोसिस करेगी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रखे पेशेंट के लिए। ऑप्शन में देखिए, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू ब्लड लॉस एंड फ्लूइड लॉस फ्रॉम सर्जरी, एंड थर्ड इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू सर्जरी, और फोर्थ रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू एनेस्थेसिया। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू एनेस्थेसिया, क्योंकि जो भी जनरल एनेस्थेसिया का पेशेंट है तो वो कोई भी जो भी सिक्रेशन निकलेगा उसके माउथ से तो उसको क्या कर सकता है, वो एस्पायरेट कर सकता है, एस्पायरेट कर सकता है तो वापस में वो लंग में चला जाएगा, तो उसको जो भी न्यूमोनिया होने के चांस हो रहेंगे। ठीक है, तो इसके कारण जो नर्स है वो क्या करेगी, जो एस्पायरेशन है उसको रोकने के लिए वो उसको डायग्नोस करेगी कोई सिक्रेशन तो नहीं निकल रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू एनेस्थेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर हैंडलिंग स्पिल इज, यानी जो हैंडलिंग स्पिल है उसके लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट काम में लेंगे। ऑप्शन में देखिए, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेकेंड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, थर्ड 5% ब्लीच सोल्यूशन और फोर्थ 2% ब्लीच सॉल्यूशन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट टेल द नर्स दैट द फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी वाज जुलाई 22, 2010, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ।
तो इसमें हम क्या देंगे, इसमें एलएमपी दी हुई है, लास्ट मिनिस्ट्रियल पीरियड दिया हुआ है, वो कब का है, 22 जुलाई 2010। तो इसमें आपको क्या निकालनी है, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है 7 मई 2011, सेकेंड 29 अप्रैल 2011, थर्ड 22 अप्रैल 2011 और फोर्थ 6 मार्च 2011। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 29 अप्रैल 2011। अब ये कैसे निकाला, ये निकाला हमने निगल के फॉर्मूला के अनुसार, जो निगली है उसके फॉर्मूला से, मतलब क्या था, एलएमपी लास्ट मिनिस्ट्रियल पीरियड। तो लास्ट मिनिस्ट्रियल पीरियड यहाँ पे कितना है, 22 जुलाई 2010, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 महीने को ऐड कर देंगे, 9 महीने ऐड करेंगे तो इस कितना आएगा, 22 अप्रैल। अब 22 अप्रैल में हमें क्या ऐड करना है, प्लस में 7 डेज ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 29 अप्रैल 2011। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड 29 अप्रैल 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन शुड ए नर्स टीच ए क्लाइंट टू अवॉइड व्हेन द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग बैक पेन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान एक वुमेन है, उसको क्या हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो नर्स उसको कौन सी पोजिशन के लिए मना करेगी। ऑप्शन में देखिए, सिम्स, सिटिंग, सुपाइन और साइड लाइन। तो इसका आंसर होगा, वो होगा सुपाइन पोजीशन। तो इसमें सुपाइन पोजीशन क्यों अवॉइड करेंगे, सुपाइन पोजीशन इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि यह प्रेशर इंक्रीज करेगा बैक पे, जो भी फिटनेस है उसके कारण क्या होगा, उसके बैक पे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो सुपाइन पोजीशन में उसको क्या होगा, बैक एक। इसमें 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अमंग दीज विच इज अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज ICP मे बी नोटेड बाई नर्स ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ ए 3 ईयर चाइल्ड। एक 3 साल का बच्चा है, उसमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज ICP, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो जो अर्ली साइन सिम्टम है वो क्या होगा, फर्स्ट देखिए, एक्सेसिव वोमिटिंग, सेकेंड बल्गिंग एंटीरियर फंटानेल्स, थर्ड इंक्रीज हेड सर्कमफेरेंस और फोर्थ डिक्रीज कॉन्शियसनेस। तो 3 साल का बच्चा है, उसमें क्या है, इंक्रीज ICP। तो जो फर्स्ट साइन सिम्टम होगा वो क्या होगा, एक्सेसिव वोमिटिंग, यानी उसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी 3 साल का बच्चा है उसमें फर्स्ट साइन ये होते हैं, एक्सेस वोमिटिंग है, ब्लर्ड विजन है, ये अर्ली साइन है इंक्रीज ऑफ ICP। बल्गिंग एंटीरियर फोंटानेल्स, ये देखने के कोई चांस नहीं रहेंगे क्योंकि जो बच्चा है वो कितने साल का है, 3 साल का है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, आपको स्क्रीन पे जो डिवाइस दिखाया गया है उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन हुड, इंक्यूबेटर, इनफेक्ट ऑक्सीजन बैग और कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इंक्यूबेटर, ये एक इंक्यूबेटर है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रोजन इन मालाडी, मालाडी में ऑस्ट्रोजन कितना होता है। ऑप्शन में देखिए, 30 mg, सेकेंड 50 mg, थर्ड 10 mg और फोर्थ 80 mg। तो जो इसका आंसर है वो है 30 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस अकर मेनली इन वुमेन इन द फॉलोइंग ऑर्गन, यानी जो वुमेन है उसमें जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, फर्स्ट यूट्रस, सेकंड वेजाइना, थर्ड सर्विक्स और फोर्थ फेलोपियन ट्यूब। तो जिसका आंसर है वो होगा फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड फ्रॉम, जो भी फोलिक एसिड सप्लीमेंट है ये प्रेगनेंसी में, तो कब इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक, सेकेंड लास्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड 4 वीक्स प्रायर टू कंसेप्शन अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और फोर्थ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा क्या, 4 वीक्स प्रायर टू कंसेप्शन अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो भी आपको फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, अगर कोई भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसको 4 वीक पहले से ही उसको फोलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए, क्योंकि यह एनीमिया को और जो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उस चांस को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी इज डन एट, प्रेगनेंसी के अंदर जो भी डायबिटीज मेलाइटिस की स्क्रीन है वो कौन से सप्ताह पे, कौन से टाइम पे होनी चाहिए। ऑप्शन में देखिए, 6 से 17 वीक पे,
सेकंड 18 से 23 वीक पे, थर्ड 24 से 28 वीक पे और फोर्थ 29 से 32 वीक पे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड 24 से 28 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का सबसे मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन में देखिए फिजिकल ट्रॉमा, सेकंड कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, थर्ड अनरिजॉल्व स्ट्रेस और फोर्थ जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। ठीक है, जर्म प्लाज्म डिफेक्ट में क्या होता है, डिफेक्ट इनटू रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जो भी रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसके अंदर क्या होना, डिफेक्ट होना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था एम्स दिल्ली में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था स्टाफ नर्स के लिए पेपर पार्ट सेकंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।